Om Shanti. January 1980 की मुटली है. कल सुना था ये पार्टियों से मुलाकात है. मुरली पवित्रता के ऊपर है, पवित्रता का महत्व. उसने कल जो सुना था वो पार्टियों से मुलाकात था, आज उसके आगे का. कल क्या सुना था? एवर रेडी और ऑलराउंडर. तो हमने पॉइंट्स निकाले थे एवर रेडी किस किस में. उसके बाद मनसा सेवा तो 7 दिन का कोर्स वाले भी कर सकते, वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी कर सकते हैं. तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मनसा सेवा करना. मनसा सेवा से क्या करना है? स्वयं को निर्विघ्न, स्थान, सबसे पहले स्थान, शहर, भारत और विश्व. चढ़ती कला, किस किस में चढ़ती कला? स्वयं की चढ़ती कला, साथियों की चढ़ती कला, क्वालिटी, क्वांटिटी और वातावरण, 5 चीजों में चढ़ती कला. फिर बाबा ने अमृत वेले के विषय में भी कहा था कि अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है. ऐसे तो नहीं अमृत वेले में अलबेलापन विघ्न बन जाता हो. ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो. अमृत वेले की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो. अब आज आगे मुख्य सब्जेक्ट है ही, 4 सब्जेक्ट में से मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की, केवल एक की याद. कल कहा था ना मोह किस में रखो? कल की साकार मुरली, एक बार से मुझ में मोह रखो. बाप में मोह, एक बाप में रखो. मुरली में अंत में था किसी भी देहधारी को याद नहीं करो. मुरली में और एक जगह था, सिर्फ मन मना भाव. सिर्फ मन मना भाव, मोह एक मुझ में रखो. और तीसरा महावाक्य था एक जगह, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो. मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की. बाप दादा अमृत वेले जब चक्कर लगाते हैं तो किसकी कमाई दिखाई देती, कमी दिखाई देती है बाबा को? बाबा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो एक चीज की कमी दिखाई देती है उसे. कौन सी? क्या कितना होना चाहिए? कितना क्या याद? मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की. बाप दादा अमृत वेले जब चक्र लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशंस की कमी दिखाई देती है. नेमिनाथ तो बन जाते हैं लेकिन अनुभवी मूर्त बनो. नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना, अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे. जिस समय का अनुभव होता है तो न चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है. वैसे वाचा सर्विस से, जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है तो न चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना, ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ. जितना मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं मिलेगा, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा. क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल नहीं सकेंगे. जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो? शांति से उनको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो ना. तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा? अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव में आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा. उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नजर से निहाल करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी पड़ेगी, अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा. फिर उस समय भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है. अनुभवी मूर्त बन जाओ. जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो. समझा?
मनसा सेवा को बढ़ाओ, अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया उसको हटाया, यह भी क्या है? पुरानी चाल, यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना। तो अब किले को मजबूत बनाओ, आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो, तो भी फॉलो, तो सभी फॉलो करेंगे, स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। बाप दादा अमृत वेले जब चक्र लगाते हैं तो क्या होता है? थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशंस की कमी दिखाई देती है उसको। निमिनाथ तो बन जाते हैं लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। निमिनाथ अर्थात नियम पूर्वक मानस खाली निभाने के लिए आगे आए थे। निमिनाथ कौन है? नहीं, निमिनाथ कौन है? वो तो वो तो शब्द सही तरह है। निमिनाथ कौन है? वो अटलगढ़ में याद नहीं जाने। निमिनाथ जैन में 24 तीर्थंकर है, 22वां तीर्थंकर है निमिनाथ। दिलवाड़ा मंदिर में 5 मुख्य मंदिर है, उसमें पहले 2 मुख्य मंदिर है विमल और दूसरा लूना। लूना बस ही जो मंदिर है वो निमिनाथ का मंदिर है। 22वां तीर्थंकर, पहला ऋषभ देव के लिए, दूसरा इनके लिए, तीसरा फिर से ऋषभ के लिए, चौथा पार्श्वनाथ और 5वां है महावीर के लिए। 24वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, 23वां तीर्थंकर और नेमिनाथ है 22वां तीर्थंकर। पहला है ऋषभ, तो 2 मंदिर ऋषभ के लिए, 1 मंदिर नेमिनाथ के लिए, 1 मंदिर 24वें के लिए, 23वें के लिए और 1 मंदिर 24वें के लिए। तो नेमिनाथ ऐसी प्रतिमा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट ध्यान मग्न। तो बाबा नेमिनाथ का प्रयोग किसी और अर्थ से करते हैं। अगर नेमिनाथ अर्थात नियम, नेमी नियम प्रमाण आके केवल बैठना, जबरदस्ती बैठना, कायदे कानून निभाना, अंदर से इच्छा नहीं है कुछ फॉलो, केवल ड्यूटी पूरी करना। खटिया छोड़ना पर नींद न छोड़ना। तो ये नेमिनाथ की परिभाषा है। नेमिनाथ तो बन जाते हैं लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नेमिनाथ बनने से नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना, जबरदस्ती की हुई चीज ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे, दिखावे से नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, लगन, लगन से बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मीरा ने कोई डांसिंग क्लासेस ज्वाइन की थी क्या कभी, या कोई सिंगिंग क्लासेस? उस समय ऐसा माहौल नहीं था, कहाँ भी करते हैं। क्यों नहीं था? भारत में नृत्य तो कब से चल रहा है, नृत्य का तो द्वापर से ही चालू हो गया है। तो वैसे तो सतयुग से ही है, परंतु ट्रेनिंग, प्रशिक्षण तो तब भी था। परंतु मीरा का संगीत कौन सा था, मीरा के गीत कौन से थे? मीरा क्या बहुत बड़ी कवि थी, कवियत्री थी? कैसे हुआ फिर वो सब? उसकी लगन ही ऐसी थी कि गीत तो स्वतः ही निकल रहे हैं, उसकी लगन ही ऐसी थी कि वो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, उसे ही पता नहीं क्या कर रही है, किस स्थान पर, उस राजस्थान में जहां सदियों से स्त्रियां घूंघट में हैं, राज रानी सड़कों पर आ रही है। क्यों? कोई भी नियम का उसे भान नहीं, मर्यादाएं भूल गई है, लोक लाज एक तरफ, घर का विरोध, समाज का विरोध, पति का विरोध, देवर का विरोध, सास ससुर सब का विरोध, फिर भी कौन है उसके अंदर बैठा,
जो उसे प्रेरित कर रहा है, कौन सी वो लगन है? क्या वो जबरदस्ती कर रही है कि मैं ऐसा करूं तो लोग मेरे भक्त बने, मेरे गीत प्रसिद्ध हो जाए, मेरा नाम हो जाए इतिहास में? क्या इसलिए कर रही है वो? मीरा हो गई मगन ऐसी, लागी लगन मीरा हरिगुण, गली गली गाने लगी ऐसी परमात्म प्रेम की लगन, ऐसी ईश्वरीय प्रेम की लगन, कि जिसमें वो गीत स्वतः ही निकले, जिसमें वो संगीत स्वतः ही निकले। मीरा की अवस्था का पता उसके आसपास के किसी को भी नहीं समझ में आ सकता था। मीरा को जानने के लिए तो कोई तपस्वी, कोई योगी ही उसकी अवस्था को जान सकता है, जो कि वैराग के लिए प्रयत्नरत है, तपस्या कर रहा है, फिर भी बार बार बुद्धि संसार में जा रही है। और ये है कि संसार से बुद्धि ही निकल गई है, लगन लग गई है। यहाँ ना तो कोई जबरदस्ती, ना तो कोई जबरन कोई उसे कह रहा है ऐसा करो वैसा करो, ये शास्त्र पढ़ो वो शास्त्र पढ़ो, कुछ नहीं। कैसी अवस्था है उसकी, चाहे करोड़ों में ही क्यों ना हो, परंतु ऐसी आत्माएं भी संसार में आई है, और वो भी द्वापर से आई है, जिन्होंने, जिनके मन में ईश्वरीय प्रेम की लगन लग गई। कितना रेयर फिनोमिनन है ये, कोई विरला ही ऐसा होता है, ऐसी अद्भुत घटना घट जाए यदि किसी के जीवन में, तो जीवन स्वतः ही सफल है। तो बाबा कह रहे हैं अगर अनुभव हो गया, जरूर उसे कुछ तो अनुभव हुआ होगा। उस समय की जितनी स्त्रियां थी उनमें से शायद किसी को ना हुआ और इसको हो गया। क्या ऐसे ही कोई उसने जो कुछ किया वो करेगा? कभी नहीं करेगा। तो अनुभव अगर हो जाए तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो न चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है, खींच कर लेके जाती है। जैसे कौन सा उदाहरण दे रहे बाबा? हर बात में बाबा प्रतीकों से समझाते हैं अपने पॉइंट को। जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है, ज्ञान सुनाना, कोर्स कराना, भाषण देना, खुशी का अनुभव होता है इससे। कुछ दिन पहले परसों की मुरली, गीता का उदाहरण दिया था बाबा ने। वो लोग कोई कोई गीता पर भाषण देते हैं, आगे की लाइन थे, उसमें भी अल्पकाल का सुख मिलता है, उसमें भी अल्पकाल का सुख मिलता है, गीता पर भाषण देते हैं तो भक्ति की बात। यहां तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, इसमें तो खुशी है ही है। यदि जब भी देखो कि पुरुषार्थ कम हो गया है, उमंग उत्साह कम हो गया है जीवन में, एक विधि है स्वयं को उमंग उत्साह में लाने की, कौन सी? ज्ञान सुनाना, प्रदर्शनी समझाना, म्यूजियम में जाना, ग्रुप्स को समझाना, उससे स्वतः ही वो ज्ञान फिर से जागृत हो जाएगा। ज्ञान जो सो गया है, कल की मुरली में बाबा ने कुंभकरण की परिभाषा दी थी, बहुत बड़ी, इतना बड़ा पैराग्राफ है कुंभकरण के लिए। क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। अच्छा अच्छा है बोलते हैं, कहते बस यही ज्ञान है, यही सत्य है, परंतु जाते ही नींद, सो जाते हैं वापस। बस यही सत्य है, यही ज्ञान है, बाद में फिर सो जाते हैं। वैसे ही वो तो अज्ञानी कुंभकरण, ज्ञानी कुंभकरण भी है। दो प्रकार के कुंभकरण, एक अज्ञानी एक ज्ञानी। ज्ञान के कुंभकरण अर्थात विस्मृति, विस्मृति ही निद्रा है। विस्मृति की निद्रा में जो सो जाते हैं वो ज्ञान के कुंभकरण है। ऐसा नहीं कि ज्ञान है नहीं, परंतु विस्मृत हो गया है थोड़े समय के लिए, दब गया। ऐसा नहीं कि गई गया है, दब गया है, ढक गया है, किसी से आवरण आ गया है। वेदांत में मल विक्षेप आवरण की बात कही जाती है। ब्रह्म को जानने के लिए मल को हटाओ, मना पवित्रता, विक्षेप और आवरण, आवरण आ गया है जैसे, इस आवरण को हटाओ, सोना वही है, केवल मिट्टी आ गई है बीच में, उस मिट्टी को हटाओ
तो सोना वही है। कहीं से लाना नहीं है, बनना नहीं है सोना, वो है, तुम हो, परंतु आवरण, कवरिंग, वनीर, वो आवरण आ गया, उसको हटाना है वहां से। तो वाचा सेवा कैसे करते हो? खुशी से करते हो। हाँ, जीवन में अगर उमंग उत्साह कम हो जाए, खुशी कम हो जाए, तो वाचा सेवा एक सशक्त साधन है स्वयं को फिर से उमंग उत्साह में लाने के लिए। मनोरिंद्र दादी कहती थी ना, कोई भी बहन अगर उदास हो जाए, दुखी हो जाए, तो उसको क्या कहते थे? कोर्स कराओ। ज्ञान सुनाना, सुनाते 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 अंदर की कोई एक तार, अंदर का कोई एक सोया हुआ चेतना का कण फिर से जागृत हो जाएगा। ज्ञान सुनाने से, मात्र ज्ञान सुनाने से हो सकता है हमारी समस्याओं का कोई समाधान मिल जाएगा। आज की मुरली वरदान, जब ज्ञान सुनाने जाते हो, क्या सेवा करने जाते हो, तो हमारे भी अपने कुछ संस्कार होते हैं, स्वयं की सेवा हो जाती है उससे। सबसे बड़ा फायदा तो यही है, दूसरों का कुछ हो या ना हो, खुद का तो है ही ज्ञान सुनाने से। यहाँ भी ज्ञान सुनाएंगे तो यहाँ भी फायदा है। हाँ, तो नहीं तो बस सीढ़ी चढ़ते रहना पड़ेगा। कौन सी सीढ़ी? अगले संडे की मुरली। दिल खुश दिल शिकस्त, दिल खुश दिल शिकस्त, दिल खुश दिल की शिकस्त, ये सीढ़ी। हाँ, दिल खुश दिल शिकस्त, ये सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। तुमको चक्कर लगाना है तीनों लोक का, और तुम लग रहे हो कौन सा? दिल खुश दिल शिकस्त, दिल खुश दिल शिकस्त। उस दिन किसने पढ़ी थी मुरली? शाहू भाई, आवागमन। वो लोग आवागमन से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जन्म मृत्यु का, और तुम भी आवागमन में आ जाते हो। यहाँ कौन सा आवागमन? कभी स्थिति ऊंची, कभी स्थिति नीची, कभी श्रेष्ठ स्थिति, कभी नीची स्थिति, कभी स्मृति, कभी विस्मृति। संपूर्ण स्मृति स्वरूप, संपूर्ण जागरण की अवस्था, निरंतर जागा हुआ, बोका जो निरंतर जागरण की अवस्था, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, अर्थात ज्ञान। सोना नहीं है, क्योंकि सोए की गलती हुई। सोना अर्थात विस्मृति, सोना अर्थात विस्मृति, सोना अर्थात देह अभिमान, दुर्घटना। संपूर्ण जागरण। कहा था ना, महात्मा बुद्ध का सुनाया था एक बार, कि वो जब सोते थे, जिस करवट पे सोते थे, बस उसी करवट में रात भर आनंद। इतने साल उनके साथ रहा, एक दिन पूछा कि आप रात में जब सोते हो, तो जिस करवट में सोए हैं उसी करवट में, जहां हाथ रखा हुआ है सुबह वही हाथ है। तो वो पूछते हैं कि आप रात में सोते हो कि सोते समय भी जागते हो? ये संभव कैसे है कि कोई सो जाए और उसको खबर रहे कि हाथ यही था और वहीं रहे? उनका बहुत अच्छा उत्तर था। वो कहते हैं, मैं सोते हुए भी जागा हुआ हूं, शरीर केवल सोता है, मैं जागरण की अवस्था में रहता हूं, और मेरा मन इतना शांत हो गया है कि जिस करवट पे सोता हूं उसी करवट में सोता हूं। करवटें तो तब बदली जाती है, कब? जब मन बेचैन हो। जब बेचैन आदमी तो टॉसिंग ऑन द बेड, कभी इधर कभी उधर, कभी उठ के बैठता है, कभी कुछ करता है, कभी चांद को देखता है, आसमान को देखता है, कभी बाहर देखता है, कभी घड़ी देखता है, कभी दूसरों को देखता है सोए नहीं सोए, कभी बाबा को देखते हैं क्या करे, कभी बस ऊपर दीवार को देखते रहते हैं, क्या ऊपर देखते रहते हैं। ये सब अवस्थाएं कौन सी है? बेचैनी की अवस्था है, चिंता की अवस्था है, एंग्स्ट्रिडन माइंड, बेचैन है इसमें, अजीब सी बेचैनी है, नींद नहीं आती है। कि नींद इतनी क्यों नहीं आती है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड जागृत है, अलग प्रकार से जागृत है, शांत नहीं हुआ है। विचार इतने ज्यादा, ट्रैफिक चल रहा है उसमें, इतना ट्रैफिक है विचारों का कि नींद नहीं आती है। इसमें एक पॉजिटिव बात भी है, अगर आपको कहीं लेक्चर करना है कभी कभी,
तो उसके पहली रात देखा गया है कि नींद नहीं आती है, उसी का चिंतन चलते रहता है कौन सी पॉइंट सुनानी है। तो कॉन्शियस माइंड जो है इतना एक्टिव हो जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है कि शाम को यदि क्लास कराना है और दोपहर में सोए तो वही चलते रहता है, ये सुनाना 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 है। कॉन्शियस माइंड शांति नहीं होता है। वास्तव में उस लेक्चर से भी हम डिटैच्ड हो जाए तो ही दोपहर को नींद कर सकते हैं या रात को नींद कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसा होता भी है परंतु जब उठेंगे तब फिर भी फ्रेश रहेंगे। एक होता है चिंता वाली नींद, चिंता से नींद नहीं आना, एक होता है ज्ञान की वजह से नींद नहीं आना, क्योंकि सुनाना है तो कौन कौन सी पॉइंट सुनाना है, पहले क्या सुनाना है, उदाहरण क्या देना है, ये सोच 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 नींद करने जाते हैं, रात को 12 बजे तक नींद ही नहीं, दूसरे दिन सुनाना है तो नींद में भी सुनाते रहते हैं। एक्चुअली दिस इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट पर बता रहा हूं कि माइंड ये भी वो अवस्था नहीं है, पर ऊंची अवस्था नहीं है कि जिसमें मन शांत हो जाए। वास्तव में जब सुनाना है तब बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए कि वो संकल्प भी विलीन हो जाए। हाँ नहीं, सोए हैं, लेटे हुए हैं, पर माइंड एक्टिव है, इतना ज्यादा एक्टिव है कि नींद नहीं आ रही है, परंतु पॉजिटिव वे में, क्योंकि ज्ञान का चिंतन चल रहा है। उसके नीचे की अवस्था है फिर नेगेटिव, किसी का व्यक्ति का चिंतन, उसने ये किया हम अब क्या करें, वो ऐसा कर रहा है हम अब क्या करें, या तो षड्यंत्र या तो बदला या तो दुख या तो रोना। रोना प्रूफ बनना पड़ेगा नहीं तो बादशाही नहीं मिलेगी, कल बोला था, ठीक है ना। तो ये सारा मन ही मन रोना, इससे नींद खराब। ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। अमृत वेले को पावरफुल कैसे बनाए, टॉपिक है चिंतन का। इसमें लिख सकते हैं पॉइंट्स, 10 पॉइंट कम से कम, क्या करें जिससे अमृत वेला पावरफुल हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, हम संतुष्ट हो जाए अपने अमृत वेले से, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगी, क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो, शांति से उनको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो ना, तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा। अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव में आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा, उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नजर से निहाल करना पड़ेगा, स्मृति से समर्थ बनाना पड़ेगा, वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन करना होगा। उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा, उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नजर से निहाल करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति को बदलना पड़ेगा, अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा, फिर उस समय भाषण करेंगे क्या। बाबा पूछ रहे हैं कि उस समय भाषण करेंगे, तो अमृत वेले को पावरफुल बनाना, उसकी तैयारी रात से चालू होगी। रात में सोने की विधि क्या है, रात में सोने का अंतिम संकल्प सोते समय का वही दूसरे दिन के सुबह का पहला संकल्प बनता है। उठते ही श्रेष्ठ स्मृति, उठते ही एक बाप की याद, उठते ही ये नहीं देखना किसका मैसेज तो नहीं आया, किसका व्हाट्सएप तो नहीं आया, किसका मेल तो नहीं आया, उठते ही टाइम कितना हुआ, वो तो अच्छी बात है एक रीति से, परंतु डर नहीं होना चाहिए। अरे उठते ही दुख, उठते ही एक की याद, एक थी उठते ही हृदय की गहराई से एक संकल्प और उसकी याद आ जाए, वो समा जाए चित्त में, भर जाए उससे एक ईश्वरीय वर्षा से यह आंगन मन का। उठते ही अगर हो सके तो थोड़ा सा ज्ञान चिंतन, कोई समान का अभ्यास, तुरंत समान लेना, तुरंत अमृत वेला भी स्नान और ब्रश करके करना। अगर उसके बाद भी किसी को नींद आती है तो थोड़ा व्यायाम प्राणायाम जो भी अगर कर सके तो उसके बाद ही, और अमृत वेला अपने कमरे में नहीं, कमरे से बाहर निकलकर कंप्लीट फ्रेश
उसमें नींद का 0.001% भी असर न हो, संपूर्ण जागरण की अवस्था। सारा विश्व हमें देख रहा है, मैं विश्व की स्टेज पर विश्व की सेवा के निमित्त आत्मा हूं, परसों का वरदान था ना, जिम्मेवार हूं, मेरी वंशावली मुझे देख रही है, मैं पूर्वज हूं, एक एक सितारे में दुनिया है। तो संपूर्ण जागरण, अमृत वेला, मधुबन में रहने वाले मधुबन में, जो मधुबन में नहीं रहते वो भी मधुबन में ही अमृत वेला करना है, वो तो और शक्तिशाली होगा। कैसे? मन से, मन से चार धाम की यात्रा करना, वो सबको ही करना है, मधुबन में रहने वालों को भी करना है, अपने कमरे से मधुबन के चार धाम की यात्रा करना बैठकर, अपने सेवा स्थान से डिपार्टमेंट में बैठकर चार धाम की यात्रा बीच बीच में जाकर करना, स्थूल करना से भी मन से जाके करना अधिक शक्तिशाली है। मन से जाना एक एक स्थान पर और अनुभव करना है वहां की वाइब्रेशंस को। समान का अभ्यास, पांच स्वरूपों का अभ्यास, बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास, विश्व को सकाश आश्चर्यपन का अभ्यास, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, सर्व संबंधों की अनुभूति, आठ संबंध बाप से मुरली चली है, आठ संबंध, सर्व संबंध, सर्व रूपों से, सर्व संबंध से आठ संबंध। पर बाबा ने साथ साथ ये भी कहा है, एक संबंध में ही इतना अगर खो जाओ तो आठों ही संबंध का अनुभव एक संबंध से आ जाएगा। माँ बाप, बाप टीचर सदगुरु तीन, फिर माँ साजन, मित्र भाई और बच्चा, आठ संबंध है। कुमारों के लिए एक संबंध बहुत मुश्किल है, बच्चा बनाना उसको, कुमार बच्चा है। इसके लिए तो कहा उसको बच्चा बनाना, ये थोड़ा कठिन लगता है। माताओं के लिए बहुत सहज है, सूरज भाई जी एक क्लास में कह रहे थे, एक बार माताओं की बट्टी थी, 800 माताएं आई थी, तो सभी को सम्मान दिया गया था कि शिव बाबा मेरा बच्चा है, सब ने माताओं ने कहा था हम आज से शिव बाबा को ही अपना बच्चा बनाते हैं, बस शिव बाबा के अलावा बाकी तो है पर शिव बाबा हमारा बच्चा है। तो सारे दिन पर सम्मान का अभ्यास किया, दूसरे दिन पूछा गया उनको, रात को अपने बच्चे को भोजन खिलाया, तो सारी माताएं बोल चुकी थी खुद ही खा गई, बच्चे को भूखा रख दिया, बेचारा बच्चा रात भर रोता चिल्लाता रहा, खाना ही नहीं खिलाया उसको, खुद ही खा गई बना के। सर्व संबंधों की अनुभूति, जैसे अभी भी मेला करते हो, अनुभवी मूर्त बन जाओ। संडे की मुरली में था ना, जानते तो सब हो, अब क्या करो, स्वरूप और अनुभव, अनुभवी मूर्त बन जाओ। एक है अनुभव, एक है उससे भी आगे का शब्द है अनुभूति। अनुभव तो फिर भी सुनाया जा सकता है, अनुभूति मौन है, संपूर्ण मौन। क्या सुनाए और कैसे सुनाए, और किन शब्दों में सुनाए, शब्दों तक आते आते ही वो खो जाता है। अनुभूति सर्वोच्च अवस्था है अध्यात्म की, रियलाइजेशन। रिलीजन इज रियलाइजेशन। विवेकानंद ने धर्म की परिभाषा दी है, धर्म अर्थात अनुभूति, वन वर्ड डेफिनेशन। क्या तुमने पढ़ा है, तुम्हारी किताबें, डॉगमास, प्रिंसिपल्स, सारे रीति रस्म, समाज की परिपाटी, वो सब एक तरफ, धर्म का संबंध अनुभव से है और किसी बात से नहीं। किस धर्म से कौन है उसको धार्मिक नहीं कहा जा सकता है, धर्म अर्थात अनुभूति, वन वर्ड डेफिनेशन। उस फिर क्या करेंगे, उस समय भाषण करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं,
अनुभवी मूर्त बन जाओ, जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो, समझा मनसा सेवा को बढ़ाओ, अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट। किस कैटेगरी में है माला के? फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, माला के आदि में आने वाले, माला के मध्य में आने वाले, माला के अंत में आने वाले, महारथी, घोड़ेसवार और पैदल चलने वाले, कौन सी कैटेगरी है ये? विघ्न वाले, सेकंड कैटेगरी। विघ्न है, ये महसूसता है, परंतु लेश मात्र, फिर भी उसको हटाते तो है, परंतु कभी जल्दी कभी देर से, परंतु उनको भी महसूसता है ये विघ्न है, परंतु हटाते हैं, कभी कभी दिल शिकस्त होते, कभी कभी थकावट का भी अनुभव करते, लेश मात्र थकावट। और महारथी तो वो है, फर्स्ट डिवीजन वो है जो कि उड़ती कला वाले, चढ़ती कला भी नहीं, उड़ती कला, नीचे का सब कुछ नली, नदी, नाले, पहाड़, गेंद की तरह पहाड़, ऊपर से जाते हैं तो गांव भी छोटे, बड़े बड़े गांव भी छोटे से लगते हैं, खेल खिलौने, विघ्न, मरी हुई चींटी, कागज का शेर, पेपर टाइगर, मुरझाए। तो ये सब नीचे की अवस्था है। अनुभवी मूर्त बन जाओ, जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो, समझा मनसा सेवा को बढ़ाओ, अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, ऐसा निष्कंटक वातावरण, निर्विरोध वातावरण। तो अब किले को मजबूत करो, क्या करो, इस दुर्ग को मजबूत बनाओ, इस फोर्ट को मजबूत बनाओ, ये जो गढ़ है इसको मजबूत बनाओ। किलेबंदी कहा जाता है उसे हिंदी में, फोर्टिफिकेशन। इस फोर्ट को मजबूत बनाओ, कौन से किले को? इस यज्ञ के किले को। इस यज्ञ से कोई भी आत्मा बाहर ना जाने पाए, ये तो बात सुनी है, परंतु उसके आगे की बात है, तीव्र पुरुषार्थी का जो किला है उसमें भी कोई आत्मा नीचे ना गिरने पाए, तीव्र पुरुषार्थ से थोड़ा कम पुरुषार्थी न बनने पाए, ये किला है तीव्र पुरुषार्थियों का, श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का जो किला है वहां किलेबंदी करनी है। एक वरदान में बाबा ने कहा था, इलेक्ट्रिक करंट हो, लाइन लगा दो, कोई भी जाए तो करंट लगे उसे, ऐसा योग का वातावरण पावरफुल कर दो, यदि इस यज्ञ से कोई भी बाहर जाता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, शायद तुम्हारी कमी है, उसकी कोई कमी नहीं, वो निर्दोष है, छोटा बच्चा है, अनजान है, कमी तुम्हारी है, क्यों तुमने अपने वाइब्रेशन श्रेष्ठ नहीं बनाए, क्यों उसके मन में उमंग उत्साह आया कि संसार में जाऊं, क्यों उसको लगा कि मैं थोड़ा कम पुरुषार्थ करूं, क्यों उसको लगा कि तीव्र पुरुषार्थ के इस दल से बाहर निकलूं? अब किले को मजबूत बनाओ, अब किले को मजबूत बनाओ, कौन सा किला? तीव्र पुरुषार्थ का ये किला, एक भी आत्मा इससे बाहर नहीं निकलने पाए, चाहे चारों ही सब्जेक्ट में, ज्ञान में भी आगे, योग में भी आगे, धारणाओं में भी आगे, तो सेवाओं में भी आगे, और सबसे महत्वपूर्ण पवित्रता का यह किला है। इस किले में रहना है तो सुरक्षित है, नहीं तो बाहर वासनाओं की आंधी और तूफान है, कब कौन सी देह आकर्षित कर दे और गिरा दे चित्त को बता नहीं सकते। सबसे ज्यादा किले सारे विश्व भर में भारत में है, 180 किले है लगभग, 70 किले तो केवल महाराष्ट्र में है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना सारा जो जीवन काल है इन्हीं किलों को बनाने के लिए, उन्हें सुदृढ़ करने के लिए लगा दिया, स्वराज्य की स्थापना करनी थी उनको, हमें भी स्वराज्य की स्थापना करनी है, हमें भी इस तीव्र पुरुषार्थ के किले को मजबूत करना है, दृढ़ करना है, इस दुर्ग को, इस किले को, इस गढ़ को, इस फोर्ट को, इस कैसल को शक्तिशाली बनाना है। फोर्ट का अर्थ ही है टू मेक स्ट्रॉन्ग, लैटिन शब्द है फोर्ट, फोर्टिफिकेशन। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे, स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। तो आज सकाश देनी है, आज
ज्वाला देवी, अग्नि देवी, अग्नि जला दो इस किले के आसपास। अग्नि भी एक मेथड थी जिससे जला के रखते थे तो कोई शत्रु ना आ सके अंदर, जानवर कोई ना आ सके। तो आज इस मुरली की मुरली के, हाँ हाँ, अग्नि जला के रखो। ये फर्स्ट पार्टी है, इसके बाद सेकंड पार्टी है एक, और मुरली है पवित्रता का महत्व। ये जो मुरली आज पड़ी, तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे और माता जी के साथ साथ पंचम तत्व अग्नि को सकाश दे।